29 साल बाद एक बार फिर बाघों की दहाड़ गूंजेगी। आज हमारे साथ शिवपुरी की जिला पंचायत अध्यक्ष मौजूद हैं, जिन्होंने और इनके नेता ज्योतिराज सिंधिया ने इस दहाड़ों के लिए काफी लंबे समय से प्रयास किया है। आज इनसे बात करते हैं कि किस तरीके की तैयारी की गई है उन बाघों के स्वागत के लिए, और देश और प्रदेश के कई बड़े नेता आज शिवपुरी की धरा पर आ रहे हैं, तो बात करते हैं उनसे किस तरीके के स्वागत की तैयारियां की गई हैं। स्वागत में देखा जाए तो शिवपुरी तो आज दुल्हन की तरह सजा दी गई है। सभी को पता है कि जिस दिन से बाघ आ जाएंगे शिवपुरी की धरातल पे, जो कि आज आ रहे हैं, और हमारे महाराज साहब का बहुत बड़ा सपना पूरा हो रहा है जिसके लिए वो काफी टाइम से प्रयास कर रहे थे, तो आज से मैं मानती हूँ कि शिवपुरी के आर्थिक स्थिति में और टूरिज्म के फील्ड में काफ़ी तरक्की होगी, और सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं और भारत में भी शिवपुरी को अपने नाम से जाना जाएगा। कहीं ना कहीं ये पन्ना से लेकर, और अगर बात की जाए पन्ना, उसके बाद आपका खजुराहो, खजुराहो के बाद शिवपुरी, शिवपुरी के बाद फूनों में अभी आपको बताएंगे जो लेपर्ड्स आए हैं, चीते आए हैं, और उसके बाद शिवपुरी में भी एक बड़े स्तर पर तीन, सबसे पहले प्रयास में तीन चीतों को लाया जा रहा है, और इसके बाद आप अगर आगे जाएं तो सवाई माधोपुर जो इंटरनेशनल टूरिज्म का एक सेक्टर बना हुआ है, तो ये पूरा बेल्ट को टाइगर बेल्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, तो क्या शिवपुरी को भी इसमें जो बेनिफिट्स मिलेंगे, जिला पंचायत का भी काफी योगदान रहेगा, आसपास का ग्रामीण इलाका काफी लगा हुआ है और बेरोजगारी भी एक मुद्दा है, तो क्या इससे फायदे होंगे? जी बिल्कुल, बहुत बड़े स्तर पर फायदे होंगे कि जिस दिन से ये जो हम बेल्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं महाराज साहब, ये बेल्ट कंप्लीट हो जाएगा, जो हमारा शिवपुरी भी उससे बहुत ज़्यादा उस प्रॉफिट में रहेगा, लाभ प्राप्त करेगा। खासकर जो छोटे छोटे हम लोग जो जैसे हम लोग तैयारियां कर रहे हैं, तो बेसिक ऐसे लोगों को हम उसमें उठा रहे हैं, या ऐसी जो हमारी बहुत टाइम से जो जैसे जनजातियां चली आ रही हैं उनकी जो प्रमुख चीज़ें हैं, झोपड़ी में रहना, आदिवासियों का जो काम है, उन सब चीज़ों को बड़े स्तर पे दिखाने का हमारे उसमें काम हो रहा है, ताकि उनको देख के टूरिज्म ज़्यादा अट्रैक्ट हो, क्योंकि टाइगर के साथ में तो टूरिज्म अट्रैक्ट हो गई, लेकिन ऐसी चीज़ों के साथ में भी टूरिज्म अट्रैक्ट होगा, जिस समय इन चीज़ों को देख के टूरिज्म अट्रैक्ट होगा तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं जाके जो पर्सनल आर्थिक स्थिति है वो इंक्रीज होगी। मतलब हम ये माने कि टूरिज्म में शिवपुरी कल्चर का एक नया रिवाज निकल के सामने आएगा। तो ये थी हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष नेहा यादव जी। आपने देखा किस तरीके से टूरिज्म को लेके इनका काफी आकर्षण है, और जो क्षेत्र में एक बेरोजगारी मुद्दा है उसको टूरिज्म से मिटाने का प्रयास और जो संकल्प केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने उठाया है, उसमें कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। मैं अजय राज सक्सेना, शिवपुरी।